दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए कल बुलाया है। सीबीआई के समन पर मनीष सिसोदिया भड़क गए। वहीं केजरीवाल ने सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से कर डाली, जबकि बीजेपी ने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के कंस है, जबकि सिसोदिया सीएम की कठपुतली और कलेक्शन एजेंट है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर एलजी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि थोड़ा समय निकालकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। दिल्ली के रामलीला मैदान में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने बिगुल फूंक दिया है। पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने विपक्ष और अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने शराब खत्म करने को कहा था, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले तक शराब पहुंचा दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एआईएमआईएम नेता शौकत अली के हिंदुओं पर दिए भड़काऊ बयान से बवाल मच गया है। देवबंद में साध्वी प्राची ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया तो अच्छा नहीं होगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने भी शौकत अली के बयान को गलत ठहराते हुए कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ शशि थरूर भी कोई कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। मतदान से पहले शशि थरूर की टीम ने प्रक्रिया को लेकर एक सवाल उठाया, जिसके बाद चुनाव समिति ने उस नियम को ही बदल दिया। अब एक की जगह ए का इस्तेमाल की बात कही गई है। इस बीच वोटिंग से चंद घंटे पहले थरूर ने ट्वीट करके अपील की है। लिखा है, थिंक टुमारो, थिंक थरूर। हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है। अब मध्य प्रदेश में हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी। इसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने पाठ्यक्रम और हिंदी अनुवाद की तीन पुस्तकों का विमोचन किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की मेरिट सूची अलग से बनाई जाएगी। एमपी दौरे पर अमित शाह ने ग्वालियर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। उत्तराखंड में चारधाम समेत अहम जगहों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। धमकी भरे खत मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में सुरक्षा बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक खत मिला था, जिसमें जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताने वाले आतंकी ने कई जगहों को उड़ाने की धमकी दी थी। अरुणाचल प्रदेश के दो युवकों के गायब होने का मामला सामने आया है। भारत चीन बॉर्डर के करीब अंजॉ जिले से दोनों युवक 16 अक्टूबर को लापता हुए थे। लापता टिलम टिकरो और बेंगसो मन्यू के परिवारों को शक है कि अरुणाचल चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया है। लापता युवकों के घर वालों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद मांगी है। दिल्ली के बलजीत नगर में नीतेश नाम के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप उफीजा, अदनान और अब्बास पर है, जो फिलहाल फरार है। नीतेश की हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव है। स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कातिलों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक नीतेश बजरंग दल से और संघ से जुड़ा हुआ था।